सीटीवी के इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में ज्यादातर लोग हृदय रोग का शिकार होते नजर आते हैं। इस पर आज कई इलाज भले ही मौजूद हो, लेकिन इन इलाजों के बारे में लोगों में काफी संदेह होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की डॉक्टर प्रतीक्षा नामजोशी ने ये साबित कर दिया है कि बाईपास एंजियोप्लास्टी जैसे इलाजों के बजाय योग, डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के जरिए भी हृदय रोग से निजात पाया जा सकता है। बदलती जीवन शैली में लोगों में हृदय रोग की संभावनाएं काफी बढ़ चुकी है और अब हाल ये है कि हृदय रोग के मरीजों में 50% लोग 25 से 50 आयु वर्ग के मध्य आते हैं। वर्तमान समय में केवल भारत देश में 1 घंटे में 91 लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी की मुख्य वजह तनाव, मधुमेह, मोटापा और धूम्रपान को माना जाता है। हृदय रोग के मरीजों का इलाज बाईपास सर्जरी के जरिए किया जाता है, मगर इसके बावजूद कईयों की मृत्यु इसी बीमारी के कारण हो रही है। ऐसे में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ने 3 तरह की उपचार पद्धति के जरिए लोगों को इस बीमारी से निजात देने की सेवा शुरू की है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके का उपचार है। आज लोग अपने जो खर्चीली सर्जरी वगैरह करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम दोबारा होता है। आज 50% से ज्यादा पेशेंट जो हम ट्रीट कर रहे हैं उनकी ऑलरेडी एक बार सर्जरी हो चुकी है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ जो डाइट, एक्सरसाइज, योगा और जो मानसिक कारण स्ट्रेस मैनेजमेंट से कहते हैं, और ये सब अपने नैसर्गिक उपचार के साथ साथ हमने और आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी और ईईसीपी, ये जो सब नॉन सर्जिकल टेक्निक्स के द्वारा बहुत सारे ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा लोगों को बाईपास और एंजियोप्लास्टी से बचाया है और 50,000 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंशन यानी कि हार्ट अटैक को कैसे टाल सकते हैं उसके बारे में हमने प्रोग्राम्स दिए हैं। उल्लेखनीय है कि यह एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन यानी ईईसीपी, आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी और योगा जैसी 3 उपचार पद्धति से हृदय रोग को दूर किया जाता है। इसमें से ईईसीपी उपचार के लिए 35 दिनों तक 1 घंटे के लिए यहां आना पड़ता है, वहीं एसीटी के लिए हफ्ते में 2 बार 20 इंजेक्शन को दिया जाता है।